हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कैसे किसी भी पीडीएफ फाइल का जो पासवर्ड रहता है उसको हम कैसे परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल है, और आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको भी समझ में आएगा कि आप कैसे किसी भी पीडीएफ फाइल का पासवर्ड निकाल सकते हो, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। इसको आप कैसे करेंगे और इसको करने का सही तरीका क्या है, यही हम सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहे मेरे इस वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाय, मेरा नाम गणेश है, वेलकम टू माय चैनल इंडिया डिजिटल बनेगा समाधान। बस और कुछ नहीं। देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे पीडीएफ फाइल होते हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, जिसमें आपका पैन कार्ड का फाइल हो सकता है, आधार कार्ड का फाइल हो सकता है, या आपका शायद ऑफिस का भी फाइल हो सकता है पीडीएफ में। तो आपको क्या करना है, आप जब भी उस फाइल को ओपन करते हो तो आपको पासवर्ड डालना पड़ता है ओपन करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिससे आपका जो पासवर्ड है आप रिमूव कर सकते हो। रिमूव करने के बाद आप सिंगल क्लिक में इसको ओपन भी करोगे, और दूसरा आप ये जो पासवर्ड रिमूव करने वाले हो वो बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। मतलब आपको ऐसा बहुत सारा वेबसाइट मिल जाएगा जिसके ऊपर जाके आप आपका पासवर्ड रिमूव कर सकते हो पीडीएफ का, लेकिन मैं आपको सबसे सेफ और आसान तरीका बताने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखो देखना है कि आपका कौन सा पीडीएफ ओपन करना है। तो देखो, मेरे पास एक पीडीएफ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल में, आपके पास जहाँ भी आपका पीडीएफ है आपको देख लेना है। तो देखो, मेरा डाउनलोड में है, तो देखो अभी मैं दिखाता हूँ। तो देखो, ये मेरा पीडीएफ है, तो ये देखो ओपन नहीं हो रहा अभी, यहीं आप पे मुझे पासवर्ड मांग रहा है। तो देखो अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूँ। देखो, जैसे मैं ओपन करता हूँ, देखो ये ओपन हो रहा है। तो देखो, आपने देखा ये ओपन हो रहा है। अभी मैं इसको ओपन करने के बाद देखो, अगर मैं इसको सेव करता हूँ कहीं पे भी तो ये सेव तो हो जाएगा, लेकिन देखो यहाँ पे मैं अभी आपको सेव करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर मैं नाम देता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया। तो देखो, नाम देके मैंने इसको सेव किया। तो देखो, सेव करने के बाद देखो आप देख सकते हैं, इसको मैंने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया, आपको देखना पड़ेगा। देखो ये अभी मैं इसको जैसे ओपन करता हूँ, देखो मैं जैसे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको कैसा टेक्निक बताऊँगा जिससे ये जो पासवर्ड डालने का जो पूरा प्रोसेस है ये बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगा। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है गूगल क्रोम ब्राउज़र में, और आपके पास जहाँ भी आपका पीडीएफ फाइल है वो देख लेना है। तो देखो, मेरा फाइल डाउनलोड में है, तो मैं वापस जाऊँगा डाउनलोड में, और देखो आप डाउनलोड में आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला फाइल है, तो मैं क्या करूँगा, ये फाइल को यहाँ से पकड़ के मैं सीधा ये जो सर्च बार है उसके ऊपर लेके आऊँगा। लेके आने के बाद यहाँ पर मैं छोड़ दूँगा। देखो, छोड़ने के बाद आप देख सकते, देखो यहाँ पर मुझे वापस पासवर्ड पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके जो भी पासवर्ड रहेगा उसका वो आपको पहले डालना है। तो देखो, मैंने अभी पासवर्ड डाल दिया और सबमिट कर दिया। जैसे सबमिट कर दिया तो देखो ये ओपन हो गया। तो देखो, ओपन होने के बाद देखो अभी क्या आपको करना है, ये देखो आपने देख लिया कि ओपन हो गया। आप देख सकते हैं इसमें देखो बहुत सारा है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था, अभी मैंने इसको ओपन किया। तो देखो, मैं अभी इसको क्या करूँगा, अब मुझे इसका पासवर्ड निकालना है। तो मैं यहाँ पर ये जो प्रिंट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर जाऊँगा, और उसके ऊपर जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ सेव पीडीएफ अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ सेव पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। आपके जितने भी पेजेस हैं मैं ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा, आप चाहिए तो पर्टिकुलर पेजेस भी ले सकते हैं। लेने के बाद देखो यहाँ आपको समझो एक कितने पेज का रखना है। तो देखो, मुझे सिंगल पेज पे आना चाहिए सब कुछ, नहीं तो देखो मैं टू रखता हूँ यहाँ पर। तो मुझे भी जैसे मालूम है चार पेज का है, तो मैं देखो यहाँ पर चार कर देता हूँ, चार डॉक्यूमेंट है। तो देखो यहाँ मैं चार पेज पर कर देता हूँ, आपको चाहिए तो आप सिंगल भी रख सकते हो। देखो ये सिंगल में भी हो जाएगा, तो आपको जिस हिसाब से आपको ठीक लगे उस हिसाब से आपको करना है। देखो, करने के बाद अभी आपको क्या करना है, सेव के ऊपर क्लिक करना है। आप सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे मैं वापस डेस्कटॉप पे ऊपर नाम डालता हूँ, और देखो यहाँ पे 2022 डालता हूँ और इसको सेव करता हूँ। तो देखो, ये आप देख सकते हैं कि मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, ये मैं सब बंद करता हूँ। देखो, ये डेस्कटॉप पे मैंने अभी सेव किया। तो देखो, अगर मैं ये पहला वाला ओपन करता हूँ तो देखो ये मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, और अगर मैं ये दूसरा वाला ओपन करता हूँ जो मैंने अभी गूगल क्रोम ब्राउजर से किया, तो देखो ये फटक से ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर पासवर्ड है, और इसके ऊपर जो पासवर्ड था मैंने अभी गूगल क्रोम का इस्तेमाल करके यहाँ से निकाल दिया। और निकालने के बाद आप इसको बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो,
और कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पीडीएफ फाइल का पासवर्ड जो रहता है वो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कैसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।